कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में मेगा रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान पीएम ने 26 किलोमीटर की दूरी तय की और ये रोड शो 8 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। वहीं सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग एकजुट नजर आए और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी करते नजर आए। दरअसल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है और इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी का रोड शो दो भाग में कराने का निर्णय बेंगलुरु की जनता को कोई परेशानी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 7 मई को नीट की परीक्षा भी होनी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए हैं कि रोड शो की वजह से परीक्षा देने के लिए निकलने वाले छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी 1 दिन पहले ही बेल्लारी में एक चुनावी जनसभा के दौरान फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया था। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। वहीं बात करें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, तो कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाने हैं। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 8 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव नतीजे 13 मई को आने हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज़।